दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएससी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा किस बारे में आज बात करने वाले हैं। नेवी अग्निवीर MR में जो वैकेंसी आई हुई है, 100 वैकेंसी आई हुई है, उसको आपको मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन करना है, कितनी फीस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना सीएससी ऑल जॉब्स ऑनलाइन को दोस्तों, क्योंकि आज आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अपने भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर आपको बताते हैं दोस्तों जो है नेवी में अग्निवीर का है MR का फॉर्म आपको कैसे ऑनलाइन करना है। दोस्तों उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डाल दूँगा, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आना है। आपको कहीं भी सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिंक से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आना है। अब यहाँ पर लिख रहा है न्यू अपडेट के नीचे थोड़ा आओगे तो यहाँ पे आपको लिख रहा है, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे करंट जॉब्स लिख रहा है, इसके नीचे लिख रहा है नेवी MR वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023, इस पर क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 550 रुपये फीस रखी गई है दोस्तों। SCO, STO, जनरल हो, BCO सब के लिए 550 रुपये फीस है। 29/5/2023 से इसकी जो है फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 15/6/2023 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 100 पोस्ट है दोस्तों और 1/9/2002 से 30/6/2006 के बीच इसकी जो है उम्र की डेट जो दे रखी है इनमें, यही आपके सामने जो है अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। और इसको जो आप जो अप्लाई करेंगे वो 10th क्लास से भी भर सकते हैं, बाकी जो आपने इंटर कर रखी तो इंटर भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेस वगैरह दे रखी है, आप डायरेक्ट जो मैं लिंक दूंगा तो आप देख लेना कैसे कैसे है ये। 1600 मीटर है 5-6 मिनट में, 157 हाइट है, 152 फीमेल की है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते अप्लाई ऑनलाइन लिख रहा है, इसके सामने क्लिक टू अप्लीकेशन पर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों पहले जो योर ईमेल आईडी है यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना, उसके बाद अपना नाम देना, यहाँ पे अपना इंडियन सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देगा उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा, मैसेज आपको दिखाने वाला हूँ कैसा मैसेज रहेगा ईमेल पर दोस्तों। इस तरह का एक मैसेज आपको जो है शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और नीचे यहाँ पे जो लिख रहा है ना क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका जो है गूगल क्रोम में ले जाएगा, गूगल क्रोम में ले जाने के बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP आप डाल देना, उसके बाद पासवर्ड के लिए बोलेगा, आप पासवर्ड बना लेना, पहला अक्षर कैपिटल और बाकी स्मॉल, @1234 करके ऐसे बना लेना। तो आपका जब आईडी जो है आपका जो सब जब सब चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करना है। आपको फिर से इसकी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पे लिख रहा है क्लिक, यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी और उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद ये कैप्चर डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, पर्सनल डिटेल आ जाएगी आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए की थी, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद माँ का नाम आ जाएगा, जेंडर मेल है या फीमेल है वो आप देख लेंगे, उसके बाद आपके पास चेहरे पर कोई मार्क है जैसे मोल ऑन फेस है या तिल है जो भी आप डाल दे रहे, अगर आपके फेस पर कोई तिल वगैरह नहीं है तो आप नो मार्क भी डाल देंगे, उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड है वो डाल देगा, उसके बाद अपना फ़ोटो लगा देगा साइन दोस्तों। फ़ोटो पे आपकी डेट होनी चाहिए, मतलब ऊपर नाम उसके बाद नीचे डेट, फ़ोटो की डेट देनी है आपको 3 महीने के अंदर की कभी भी, या आप एक सेलेक्ट पकड़ के अपनी उसका नाम लिख के और डेट का फ़ोटो की डेट लिख के आप जो है सिलेक्ट पकड़ के भी डेट लिख फ़ोटो पर डेट लिख के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उसके बाद सेव क्लिक कर देना, सेव करने बाद आपका जो है अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे दे रखा है कैप्चर के लिए, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना तो आप यहाँ पे वैलिड एंड सेव पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप वैलिडिटी और सेव पर क्लिक करेगा आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है अपना, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देगा, अपना जो स्टेट है वो डाल देंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुन लेगा अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। उसके बाद अपना पिन कोड डाल देगा और यहाँ पे जो है दोनों अगर आपका सेम एड्रेस तो आप यहाँ पर क्लिक एयर टू कॉपी पर क्लिक करेगा, उसके बाद आपका जो है हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है, ओके करना है, आपका जो एड्रेस सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है एंटर दसवीं मार्क्स डिटेल, दसवीं की डिटेल डालना है, इंग्लिश में 100 में से कितने नंबर आए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आप नंबर डाल देंगे, टोटल कितने नंबर है और कितने में से कितने नंबर आए हैं। ऐसे ही आपको 6 सब्जेक्ट के नंबर देने हैं, उसके बाद 600 में से 537 नंबर जैसे हो चुके हैं इसमें, उसका आपकी परसेंटेज आएगी। उसके बाद दोस्तों दसवीं की मार्कशीट में ना CL नंबर होता है कोने में ऊपर, तो आप डाल देंगे। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, UP बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड चुनेंगे आप, ठीक है दोस्तों। आप अपना बोर्ड देख लेना जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद अपना जो है आपने हाई स्कूल कहाँ से किया वो डाल देंगे, उसके बाद एग्ज़ाम कहाँ पे दिया आपने वो डाल देंगे, उसके बाद आप स्कूल का नाम डाल देंगे दसवीं क्लास का। और आपको 300 KB से कम के 300 KB से PDF बनानी है, 300 KB से कम वो आपको अपलोड करनी है, 300 KB से कम दसवीं की मार्कशीट। उसके बाद सबमिट 10th मार्कशीट डिटेल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपकी जो है 10th की मार्कशीट अपलोड हो जाएगी, आपको अगली पेज पे ले जाएगा ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 12वीं की आप डिटेल दे भी सकते हैं ना भी, अगर आपने कर रखी है तो आप 12वीं की डिटेल दे देंगे, जितने में से जितने नंबर है, जैसे कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश है फिजिक्स है केमिस्ट्री है, जितने में से जितने नंबर है 100 में से आते हैं, 100 में से जितने भी आपके नंबर आए हैं वो डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, 500 में से 450 नंबर आ जाएगा, जैसे भी जितने भी आएंगे उतने आ जाएगा आपके। उसके बाद आपको यहाँ पे भी सीरियल नंबर देना है मार्कशीट के 12वीं की ऊपर कोने में लिखा रहता है। उसके बाद स्टेट का नाम देना है अपना, आपका जो है 10वीं क्लास कौन से की है अपना, कौन से स्कूल से, एग्ज़ाम कहाँ पर दिया है स्टेट चुन लेंगे। उसके बाद आपको ना इंटर की जो है स्कूल का नाम लिख देगा, उसके बाद स्टेट बोर्ड चुन लेंगे आपको, UP बोर्ड से है जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद 12वीं की भी आपको 300 KB से जो है PDF अपलोड करनी है, सबमिट करना है, सबमिट करने बाद अगले पेज पर ले जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं 3 एग्जाम सिटी देने हैं आपको, जैसे पहले में जो है आप उत्तर प्रदेश बिहार कुछ भी आप देख सकते हैं जो भी आपका है, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी देनी है, 3 एग्ज़ाम सिटी दे देंगे आप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद झारखंड जो भी आपको अच्छा लगा वो आप देख लेना, जो भी आपका स्टेट है वो आप भर लेना, उसके बाद अपनी जो है एग्ज़ाम सिटी आप दे देना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने ये 3 एग्ज़ाम सिटी दे चुका हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपना हिसाब से दे देना। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना, ओके करना, ओके करने बाद आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज पर ले जाएगा ये। अब यहाँ पर पूछा है NCC सर्टिफिकेट, अगर आप ES करोगे तो आपको NCC देना पड़ेगा, इंडियन नेवी एयरफोर्स, जो भी आपको ग्रुप ABC जो भी आपका सर्टिफिकेट ABC जो होता है वो आप चुन लेंगे। अगर आपके पास NCC नहीं है तो आप नो कर देंगे इसे। उसके बाद पूछा डू यू नो स्विमिंग, अगर आप तैरना आता है तो आप इसे यस करेगा, अदरवाइज से नो कर देंगे। अगर आप पे तैरना आता है पानी में तो आप यस कर देंगे, उसके बाद इसको नो करेंगे। उसके बाद CSC ID है तो डाल देंगे, अदरवाइज से सबमिट सेव कर देंगे। सेव करने बाद ये अगले पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे जो है MRK फ्री पेंस देनी है आपको, जैसे पहले पे जो चिप रख दिया मैंने, ये रख दिया और ये रख दिया। अब आपको सेव करना है, सेव करने बाद ओके करना है, आपका जो है MRK फ्री पेंस डिटेल अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको जो अगले पेज पे ले जाना है, अगले पेज पे आपकी फ़ीस आ जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं आप MR के लिए कर रहा था, MR पर टिक करेंगे आप, और यहाँ पर जो देख सकते हैं 550 रुपये फीस रखी गई, 18% GST है, 649 रुपये आ रही है टोटल। अब आपको क्या करना है, SBI पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए दोस्तों। 18% GST ले रहा है, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा फीस ले रहा है इसमें, तो 18% GST लग के 650 रुपये बैठ रही है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पर जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे आपको जो है आपको ले जाएगा जहाँ पर आपको जो है पेमेंट करनी है। अब दोस्तों जैसे आप पेमेंट पा जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं,
यूपीआई से कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सिंपल तरीका बताओ ना पेमेंट आप कैसे करना है, तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्यूआर कोड है ओनली, फ़ोनपे चलाते हैं, तो आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यूपीआई क्यूआर कोड इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पे नाउ लिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने दोस्तों एक जो है बार कोड आपके सामने जो है शो हो जाएगा, अभी देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में आप ही देख दिखाने वाला हूँ आपको। इस तरह का बार कोड आ जाएगा, अब आपको जो है ये 5 मिनट के अंदर अपनी पेमेंट करनी है स्कैन करके इसे, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका फ़ोन पे से आप स्कैन करोगे, इसकी पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा, तो ये आपको डायरेक्ट जो है वो आपकी मेन वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे, तो वहाँ से जाके आप जो है अपना प्रिंट आउट जो है ये अपना पीडीएफ प्रिंट आउट ले सकते हैं, और आपके ईमेल आईडी पे भी प्रिंट आउट ये पीडीएफ में भेज देगा, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ में कैसे भेज देगा वो पीडीएफ आपको मैं दिखाने वाला। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं आपका सोल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इस तरह का मेल आप मिलेगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस तरह का मेल मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम वगैरह आ जाएगा, इस तरह की पीडीएफ आ जाएगी आपके सामने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पीडीएफ नीचे डाउनलोड लिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो पीडीएफ ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो है प्रिंट आउट जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल को जो है थोड़ा सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर देना अपना भाई समझ के। सो दोस्तों सब्सक्राइब करके रखोगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं आपका सोल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।